वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को ही कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा और रिमेनिंग टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे और चैप्टर को पूरा वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस पढ़ने से पहले बच्चों एक बात याद रखना, बुक कीपिंग जो होता है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स होता है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के बाद फर्दर ट्रांजैक्शंस कभी भी बुक कीपिंग में नहीं होते। तो बुक कीपिंग एक बहुत नैरो प्रोसेस है जिसमें केवल हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और अकाउंटिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन, ऑल द इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड करना, मेजर करना, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड फाइनली कम्युनिकेट करना, तो वो बहुत ही वाइड प्रोसेस है। ठीक है, तो एक एक करके डिफरेंस देखेंगे बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में। तो मैंने बोर्ड पे कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इसको हम रीड करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहला डिफरेंस, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद ओनली आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाइंग के संग मैं रिकॉर्डिंग भी लिख सकती हूँ, एंड रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दैट मीन्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर क्वांटिटेटिव। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये बड़ा प्रोसेस है, दैट इज वाइड प्रोसेस। और सेकेंडरी स्टेज पे आ जाती है बेटा हमारी अकाउंटिंग, राइट। थर्ड पॉइंट है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज मेंटेनिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड को सिस्टमैटिकली मेंटेन करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बुक कीपिंग का। लेकिन अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं, कंप्लीट पोजीशन को बनाना होता है। तो अकाउंटिंग इज having the objective to identify the actual financial position of the business. Next point है बेटा हमारा, bookkeeping is performed by the junior staff. कभी भी कोई special skills, knowledge या seniority की जरूरत नहीं है। junior staffing में ही हम, junior members में ही हम, having low skills and knowledge में ही हम bookkeeping करवा सकते हैं। लेकिन accounting is performed by the सीनियर स्टाफ, बेसिकली हाई स्किल, हाई नॉलेजेबल लोग ही इसको प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा, बुक कीपिंग डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए हमें कोई भी स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अकाउंटिंग के लिए बेटा वही अकाउंटिंग कर सकता है जिसे रिकॉर्ड मेंटेन करना, समराइज, क्लासिफाइज, इंटरप्रेट, एनालाइज एंड कम्युनिकेट, ये सारे प्रोसेस अच्छे से करने आते हो, वही अकाउंटिंग कर सकता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब देखेंगे कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है, तो देखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग बेटा हमने स्टार्ट ही चैप्टर इससे किया था कि इट इज अ प्रोसेस। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी वर्क करता है, बिकॉज अकाउंटेंसी के अंदर प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटेंसी इज हैविंग अ वाइड प्रोसेस अंडर विच वी डू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग ये एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से और एंड होता है हमारा कम्युनिकेशन से, जो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो नंबर 1 में बताया था। तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर्म्ड बाय अकाउंटेंसी, एंड एक लाइन और लिख लेती हूँ, इट हैज द नैरो कॉन्सेप्ट इन कंपैरिजन टू द अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, पूरे प्रोसेस की सिस्टमेटाइज
नॉलेज होना एंड एक्सप्लेन हाउ टू डील विद अकाउंटिंग। और यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि अकाउंटिंग को किन किन रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है और वर्क करना है। तो अकाउंटेंसी इट हैज वाइडर कॉन्सेप्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या टिपिकल पॉइंट हम नहीं कह सकते, बस अकाउंटेंसी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर में अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस आइडेंटिफाइड होते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं। और अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो अकाउंटेंसी के अंदर होने वाले रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के फ्रेमवर्क के अंदर वर्क करता है। अकाउंटेंसी एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और अकाउंटिंग एक नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको मैं बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंट की इंफॉर्मेशन, सारी चीजें जो हम जनरल लेजर ट्रायल ट्रेडिंग और बैलेंस शीट तक बनाते हैं उनकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये एक जेन्युइन होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, कंफर्टेबल और वैलिड डिसीजन लेने के लिए। अब सवाल उठता है एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट की इंफॉर्मेशन बच्चों चार तरीके की होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात कंपेरेटिबिलिटी, हम उसको अपने प्रीवियस रिकॉर्ड से कंपेयर कर सके, एक्सपेंसेस को लॉसेस से, लॉसेस को रेवेन्यू, आपस में कंपेटिबिलिटी इजीली हो जाए, ऐसा डेटा होना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कम से कम हमें इंफॉर्मेशन समझ में तो आए, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मीन्स हम उस पर भरोसा कर सकें, रिलायबिलिटी हम उस पर ट्रस्ट कर सकें, भरोसा कर सकें और उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सके फॉर द फर्दर रिकॉर्ड्स। और सबसे लास्ट क्वालिटी होनी चाहिए रेलिवेंस, RELEVANCE, दैट मीन्स अगर मुझे रिकॉर्ड बनाना है फॉर एग्जाम्पल राम का और मुझे डेटा मिल रहा है श्याम का, तो आपको लगता है मैं राम का रिकॉर्ड बना पाऊंगी? नहीं। तो हमें डेटा वही मिलना चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, नंबर वन रिलायबल, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी, हम कंपेयर कर सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इसको तैयार करें। सबसे लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है बेटा हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दो तरीके के होते हैं, पहला डबल एंट्री सिस्टम एंड द अदर इज सिग्नल एंट्री सिस्टम। एक छोटी सी लाइन में ही आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। वो सिस्टम जो केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट करता है उसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। और वो अकाउंट या वो प्रोसेस जो दो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है, जैसे राम ने श्याम को पैसे दिए तो राम के अकाउंट से पैसे कम हुए और श्याम के अकाउंट में पैसे बढ़ गए। यहाँ पर डबल डबल डुअल आस्पेक्ट पे दो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। वो एंट्री, द एंट्री विच अफेक्ट्स टू अकाउंट्स बोथ ऑन द डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम, वेयर एज द अकाउंट विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट इज नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम। चैप्टर यहाँ फिनिश हुआ, एक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया अकाउंटिंग की प्रोसेस या फिर एट्रीब्यूट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा लिमिटेशंस, डीमेरिट्स, एक और पॉइंट पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या मेरिट्स, और ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, मैंने तीन ब्रांचेस बताई, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूजर्स भी डिस्कस किए हमने, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। और आज की वीडियो में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अंतर, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में अंतर, एंड द लास्ट वन इज व्हाट आर द डिफरेंट सिस्टम्स, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री, एंड वन थिंग मोर दैट इज
द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बाय दिस आवर फर्स्ट चैप्टर इज कम्प्लीट। आपको अच्छे से फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया हो, मेरा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।